वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट यासिर की फैमिली है और एक और उनकी प्यारी सी बहन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मारिया। मारिया, वेलकम टू द शो। और मैं सारों को पहले मुबारक दे चुकी हूँ आपके भाई की 25वीं सालगिरह की, आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं सबांटी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मैंने ये सुना जब आप लोग बता रहे थे कि जब शहादत हुई है उससे कुछ अर्सा पहले उसने बहुत ज़्यादा लेफ्टिनेंट यासिर ने बहुत ज़्यादा शहादत की बात और जिक्र, और इवन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने कहा कि लैपटॉप के अंदर ऐसे मिली तराने नगमे और ऑल दैट के वो जो वही शहादत की तरफ आपको लेकर जाते हैं, तो ये बचपन से था उसका इंक्लिनेशन या अभी कुछ अर्सा पहले ज़रा ज़्यादा हो गया था? वैसे उसे बचपन से था कि मैंने कुछ करना है, और लेकिन ये कि बाय द टाइम उसका बहुत बढ़ गया, तो उसने फोर्सेज इसलिए ज्वाइन की थी। और फिर वो कहता था मेरे पास नेवी होने की वजह से मेरे पास मतलब वो मौके नहीं है जैसे आर्मी में, लेकिन वो सोचता था, उसके फ्रेंड्स उसके मजाक उड़ाते थे कि तू कैसे शहीद हो सकता है, मतलब तू तो ऐसे होगा कि जहाज़ के नीचे लेटा होगा तो इंजन तेरे ऊपर गिर जाएगा तो तू फिर शहीद होगा, मतलब इस तरह की बातें। और वो कहता था मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे चला जाऊँ, वो चाहता था मैं कुछ करके जाऊँ, और मतलब उसका बहुत अजाइम बहुत थे। और मुझे अक्सर फ़ोन पे वो बातें करता था तो ये कहता था कि हम लोग अलर्ट हैं और हमने अपनी तैयारी कर ली है, इस तरह की वो बातें करता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि हम अलर्ट है, बस हमने अपना इंतज़ाम कर लिया है, बस अब कोई परेशानी की बात नहीं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की वो बातें करता था। उस वक्त आपको, आप सुन रहे होते हो, आपको महसूस नहीं होता, मगर वो बाद में बातें रिकॉल होती हैं। बिल्कुल, उस वक्त तो सोचा ही नहीं था। और उसके बाद उसने बहुत सारे अपने दोस्तों को उन्होंने बताया कि उसने हमें करके दिखाया कि मुझे ऐसे गोलियां लगेंगी और मैं ऐसे गिर जाऊंगा। अच्छा, कहता एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उसने हमें करके दिखाया। सही। और वो कहते थे हम हंसते थे कि ये क्या कह रहा है, उसी वो इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो करके दिखाता था। ये जो आपने बात की है ना, इससे मुझे सीखने को और देखने वालों को भी ये सीखना चाहिए कि जो आपकी सोच होती है ना वो हकीकत बन जाती है, कि वो उसकी नीयत ही ये थी कि मैं अपनी इस सरजमीन के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। एक धमाके में ना, जो बस में धमाका हुआ था दूसरा वाला, जो वो मेहरान का ही जी जी बिल्कुल, तो ये उस बस को कोई एक आध मिनट से लेट मिस कर गया था, इसके कोई कोर्समेट ने साथ जाना था जी बिल्कुल, तो ये पहुंचा, तो कोर्समेट पहुंचा तो ये तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो इसने कहा चलो बस तो निकल गई, हम अपनी गाड़ी पे चले जाते हैं। तो जब वो बस का धमाके का पता लगा तो ही वॉज वेरी अपसेट कि मैं बच गया हूँ, मैं मतलब शहीद क्यों नहीं हुआ। लेकिन साथ ही फिर इसने मेरे बड़े भाई से ये भी डिस्कस किया कि मैं इस तरह शहीद भी नहीं होना चाहता, मैं शहीद भी वही बात है कि वो जिस तरह से जो सोचा हुआ था करके जाना चाहता हूँ ताकि मुझे रिकग्नाइज किया जाए। कुछ किया और माशाल्लाह जिस तरह से हर चैनल ने उनकी उनको कवर भी किया, और वही जो एक हक था मेरा ख्याल है पहुँचाया गया, मगर वही बात है कि अभी एक जो उनका हक बाकी है निशानी हैदर का, बस वही है, हमारी दुआ भी है और इंशाल्लाह नेवी इंशाल्लाह स्ट्रांगली इसको, अगर नेवी अगर फॉलो करे स्ट्रांगली इसको लेके चले तो परसू करे तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा आंटी, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, जिस सब्र के साथ और जिस हौसले के साथ आप, माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, यू नो ये मैं ये भी नहीं कह सकती दैट आई कैन इमेजिन, नो बडी कैन इमेजिन, ये माँ ही जान सकती हैं, और वो माँ जिसने खोया हो अपने जिगर के टुकड़े को, और एक ही एक आपका बेटा था, अगर वो आज हो आप और आपको ये लगे कि वो सुन रहा है मेरी बात, तो कोई बहुत सी ऐसी बातें होती हैं ना जो दिल में अनकही रह जाती हैं, कुछ ऐसा जो उससे कहना चाहती हूँ आप? बस मुझे यही है कि एक तो बहुत ही प्यारा बच्चा, नेक फरमाबरदार, मतलब किसी से भी आप पूछ लें, दोस्तों का दोस्त और माँ बाप का, तो इतना फरमाबरदार कि उसने हमेशा सर झुका के रखा बड़ों के सामने, तो इस बात पे मुझे इतनी खुद के ऊपर भी बज़ाहिर मैं फ़ख्र करती हूँ कि मेरा ऐसा बेटा है और हर वक्त साथ ही होता है, और बस यही होता है कि आया करो, मिला करो हमसे, मुझे ख्वाब में आया, मैंने उसको प्यार किया है और बिल्कुल फीलिंग ऐसी कि मैं आता है, बल्कि मुझे कई दफा लगा पाँव पकड़ता, बिल्कुल ज्यादा मुझे रात को ऐसे लगा मेरे उसने पाँव पकड़े, तो आता तो है वो, तो आप आपके पास ही होता होगा, जाना ही कहाँ है। मैं आपको बताऊँ अरूज, जो सारा हौसला है, एक तो उसकी ख्वाहिश और जो हमारी अपनी हर मुसलमान की ख्वाहिश है, बिल्कुल सही, कि वो
शहीद हो और इस तरह जाए, हर ऐसी मौत तो हर कोई ख्वाहिश करता है। बेशक उस चीज़ का तो मुझे कोई है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम तो शुक्र ही अदा करते हैं कि अल्लाह मियां ने हम पे इतना करम किया, उस पर किया जो उसकी ख्वाहिश थी। दूसरा हमारे पास ये कि हमारे पास करबला का दर्स है जो जीने का वाहिद सा, बिल्कुल बस इमाम हुसैन की उसको देखते हैं तो बस फिर अपना गम कुछ नहीं लगता, बिल्कुल बस सिर्फ ये एक हमें हौसला। मैं समझती हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सादत की भी बात है कि वही बात है कि एक बच्चा जो है वो राह हक में गया है और पूरी दुनिया जो है वो उसका नाम जो है वो रोशन हुआ है और हमेशा की तरह, और पंचतन पाक के सदके में अल्लाह की ज़ात उसको वो मुकाम, हमें तो यकीन है कि उसको वो मुकाम मिला होगा जो तमाम शहदा को मिलता है। अच्छा मारिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कैसा रिश्ता था आपका अपने भाई के साथ और आज 25वीं सालगिरह, उस हवाले से क्या कहोगे? मेरी और यासिर की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, मतलब कोई बात होती थी, कोई ऐसी उल्टा काम हो जाना मेरे से तो मैंने माँ बाबा को नहीं बताना, मैंने पहले यासिर को बताना कि कवर कर ले, बचा ले, तो वही और कुछ होता था वो खुद ही पहले कहता था कह देना यासिर से हुआ है, बस तुम कह देना, तो मैं सीधा सीधा कुछ खाना है कुछ वो यासिर कह रहा था मामा, कहते अच्छा चलो हर चीज़ यासिर पर डाल दी, उसके ऊपर डाल दी। इनफैक्ट उसकी बर्थडे होती थी तो उसको हम रात को विश करते थे तो वो अक्सर सो चुका होता था, फोन करते थे तो उसको कहता मुझे सुबह 6 बजे उठना होता है ये वो, तो हम कहते तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए होगा, मतलब इतना सिंपल उसकी पर्सनालिटी थी कि उसको कोई डिमांड नहीं कभी उसने किया कि मुझे कोई चीज़ चाहिए या जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। बेशक हाँ, चेहरों पे आपके मुस्कुराहटें हैं और जो सब्र और तहमुल आप का मुजाहरा आप लोगों ने किया, अल्लाह की ज़ात बहुत आसानियाँ करे और इंशाल्लाह आप लोगों को इस दुनिया में भी और आगे भी बहुत अजर मिलेगा। यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड मैं चाहूँगी कि हम लोगों ने जो उनकी बचपन से लेकर जवानी तक का एक पैकेज तस्वीरों की सूरत में जो इनकी फैमिली ने बनाया है वो हम चाहेंगे कि हम टुवर्ड्स द एंड आपके साथ शेयर करें, और मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट यासिर और उनकी फैमिली को सलूट करना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू डू दैट टू, बिकॉज ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं आज की दुनिया में, और इनके साथ साथ और भी जितने बच्चे हैं और भी जितने जवान हैं जो हमारे इसी तरह के वाक़यात में, ऐसे सानियात में, ऐसे जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उनमें उनकी जान गई है और वो शहीद बने, उनकी तमाम फैमिलियों को हम सलाम पेश करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर उन जवानों को सलाम पेश करना चाहते हैं। इस वक्त पैकेज आपको दिखाएंगे और उसी के साथ हम अपने इस शो को इख्तिताम करेंगे। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हाँ